हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्टैंडिंग एब्स वर्कआउट, फ्लैटिंग स्टमक एंड लूज योर बेली फैट, जिसमें आपको मैंने सारी एक्सरसाइज है जो स्टैंडिंग वे में करके दिखाऊंगी, जिससे आपकी बेली फैट कम हो जाएगा और आपके एब्स भी डेवलप होंगे। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट है लेग ट्विस्ट विद हैंड। आपको जिस तरह से देख रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, इस तरह से खड़े हो जाना है, अपने दोनों हाथों को ओपन करके रखना है और अपनी बॉडी को और हाथों को भी और पैरों को भी पूरी तरह से मूव करना है लेफ्ट एंड राइट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड हाथों को मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग उठाएंगे, अगर राइट साइड हाथों को मूव कर रहे हैं तो राइट का जो आपका पैर है वो भी आपके ऊपर जाना चाहिए और आपकी मिडिल बॉडी जो है उस साइड पे ट्विस्ट होनी चाहिए। इससे आपके साइड के जो टमी के फैट हैं बहुत ही जल्दी ख़त्म होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्क्वाट ट्विस्ट। यह भी हमारी बेली फैट के लिए और एब्स को डेवलप करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके वेट लॉस में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। फैट लॉस एंड आपका एब्स के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा वर्क करने वाली एक्सरसाइज है। सभी एक्सरसाइज को हम 1 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे, 5 to 10 सेकेंड का रेस्ट लेते रहेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा बॉडी हीट कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो एक्सरसाइज करते टाइम आप बीच बीच में रेस्ट लेते रहें और थोड़ी से थोड़ा ड्रिंक पानी का लेते रहें सिप सिप करके। नेक्स्ट है हमारा साइड ट्विस्ट टच टोई। इसमें आपको साइड वॉक करना है सिंगल लेग का और अपने बॉडी को मूव डाउन करते हुए अपनी टोई को हाथ से टच करना है। यह भी हमारे बेली फैट के लिए, हमारे फैट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज को भी हम 1 मिनट तक कंटिन्यू रखेंगे। फाइव टू टेन सेकेंड रेस्ट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी नी टच। इसको आप हाई नी टच भी बोल सकते हैं, नी टच भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है बेली फैट को कम करने के लिए, इससे आपकी बेली फैट बहुत जल्दी कम हो जाती है। आपके मसल्स को और कोर को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा हैंड मूविंग विद लेग ट्विस्ट। इसमें आपको दोनों हाथों की फिंगर को क्रॉस कर लेना है और उसको मूव करना है लेफ्ट एंड राइट साइड, साथ ही साथ अपने पैरों से भी आपको जिस तरह से आप साइकिलिंग करते हैं चाहे उस तरह से कर लीजिए, नहीं तो रनिंग वाली एक्सरसाइज आप पैरों से करते रहिए। यह भी आपकी बॉडी के फैट लॉस में, वेट लॉस में बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये आपकी कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज है जो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके एब्स को डेवलप करने में, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी बेली फैट को कम करने में, ओवरऑल पूरी बेली फैट को कम करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फ्रंट डाउन फ्लोर टच। इसमें आपको दोनों लेग के बीच में एक प्रॉपर गैप रखना है, दोनों हाथों को ओपन कर लेना है, उसके बाद अपने फ्लोर को साइड बाय साइड टच करना है। जब हम साइड टू साइड टच करेंगे तो इससे आपकी
जो मिडल वाली फैट है या साइड वाली फैट है वो बहुत तेज़ी से कम होगी। इस एक्सरसाइज को भी 1 मिनट तक कंटिन्यू रखेंगे। 5 to 10 सेकंड का रेस्ट लेने के साथ साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। यह भी हमारी कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज है ऐप को डेवलप करने में। तो इसमें आपको अपनी टोइट को टच करना है। स्टैंडिंग पोजीशन पे रहेंगे, दोनों हाथ को ओपन करके रखेंगे और अपने पैरों को ट्विस्ट करते हुए अपने हाथों से अपनी टोई को टच करना है। इस एक्सरसाइज को भी हम 1 मिनट तक कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लॉन्गेस्ट ट्विस्ट, या इसको तीरंदाजी एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसमें आपके पैर और हाथों को एक अच्छे से स्ट्रेचिंग के साथ बैक लेना है अपनी बॉडी को। इसमें अगर आपका लेफ्ट लेग जा रहा है बैक में तो आपका लेफ्ट हैंड भी बैक करेगा। एक प्रेशर के साथ, एयर प्रेशर के साथ अपनी बॉडी को बैक लेना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा पंचिंग। पंचिंग जो है स्टैंडिंग पंचिंग जो होती है आपकी बॉडी वेट को कम करने के लिए, आपके फैट लॉस के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी को ओपन करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी हम 1 मिनट तक कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड क्रंचेस या साइड ट्विस्ट। इसमें अपने लेग को ओपन करना है जितना भी कर पाए आप। उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के थंब को टच करना है लेफ्ट एंड राइट साइड जिस तरह से आप देख रहे हैं। इससे भी आपके बेली फैट कम होते हैं, आपके कोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपकी बॉडी ओपन होता है, जो आपके फैट होते हैं वो बर्न होते हैं। 5 to 10 सेकंड रेस्ट के बाद अब हमारा नेक्स्ट एंड न्यू स्टेप है डांसिंग स्टेप। यह भी बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग और डांसिंग स्टेप एक्सरसाइज है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के पार्ट्स को ओपन करने के लिए, आपकी बॉडी के फैट को एकदम से ख़त्म करने के लिए, बर्न करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जितना इजी लग रहा है आपको उतना इजी है नहीं। अपने हाथों को सीक्वेंस में ओपन करना, अपने लेग्स को सीक्वेंस में ओपन करना, इसमें आपके माइंड का भी बहुत अच्छा वर्क होने वाला है, क्योंकि आप जब अपने लेग्स और हाथों को सीक्वेंस में ओपन करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक आपका कनेक्टिविटी होती है माइंड एंड बॉडी के साथ। नेक्स्ट है हमारा स्क्वाट ट्विस्ट। इसमें है स्क्वाट साइड ट्विस्ट है ये। इसमें भी आप अपनी बॉडी के वेट लॉस कर सकते हैं, फैट लॉस में भी आपका वर्क करेगा, बट आपका जो आपके मसल्स होंगी, आपके हिप्स हैं, उसको ओपन करने में और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं ऐसी बहुत सारी आपके साथ वर्कआउट रिलेटेड यूज़फुल वीडियो शेयर करती रहती हूँ, जो बहुत ही बेस्ट और न्यू होती हैं आपकी बॉडी को वेट को कम करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको हेल्दी एक लाइफ देने के लिए। तो प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।